Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. आप जानते हैं कि वो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी लगातार अपना काम कर रही है और दो चार दिन में हमारी केंद्रीय चुनाव समिति भी मिलेगी और स्क्रीनिंग कमेटी जो अपने प्रस्ताव भेजेगी उस पर महाविचार होकर फैसला होगा। हमें उम्मीद है जल्द फैसला होना चाहिए, चार पांच दिन में, तीन चार दिन। तो बंजी, क्या आप भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? ऐसा कोई नहीं कह सकता जब तक हाईकमान का ठप्पा, सीईसी का ठप्पा ना लगे। और हमारी जहाँ तक बात है, जैसे मेरी अगर मैं बात करूँ तो, क्योंकि मैं लोकसभा एमपी हूँ, सिटिंग एमपी हूँ, मैंने लोकसभा चुनाव से पहले भी कहा था मेरी इच्छा है चुनाव लड़ने की। और लेकिन हमारे, क्योंकि मैं जनरल सेक्रेटरी भी हूँ, हमारा फैसला हाई कमांड पे। मैंने कहा था मेरी इच्छा थी। दीपक बावरिया जी ने कहा कि सांसद और राज्यसभा सदस्य चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो उसके बारे में आप क्या? नहीं, देखो, आप मीडिया के लोग हो, बार बार एक दिन गलती हो सकती है, लेकिन आप बार बार उस चीज़ को मत दोहराओ। उन्होंने खुद ये कहा कि हाईकमांड फैसला करेगी, कुछ केसेस का हाईकमांड फैसला करेगी। तो सिर्फ आधी बात नहीं होनी चाहिए, पूरी बात होनी चाहिए। और यही हम कह रहे हैं कि हाईकमांड फैसला करेगा हमारा। तारीख को लेकर भी अभी ऐसे नहीं है कि एक तारीख को चुनाव होगा या नहीं होगा उसका। ये वैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, असमंजस की बात है नहीं, लेकिन ये भाजपा की जो सोच है ना, जैसे हम कहते थे यू टर्न, ये वो, ये विचलित रहते हैं। अब चुनाव आ गया है और विचलित हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन मीटिंग में बैठा, फैसला हुआ, इनको कुछ मालूम नहीं, अनभिज्ञ थे, कुछ नहीं मालूम कि मीटिंग हो रही है इलेक्शन कमीशन की और फैसला आ सकता है। उसके बाद पता नहीं किस निद्रा में थे, कुछ दिन बाद जागे, पता चला छुट्टियां हैं, और फिर इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है। मुझे वैसे लगता नहीं है अब कुछ ऐसा हो सकता है, और इसमें तो साफ दिख भी गया, विचलित भी हैं और घबराए हुए भी, दोनों बात हैं। चुनाव को किसी तरह से सोच रहे हैं कि आगे हो जाए, पोस्टपोन हो जाए, क्या हो जाए। तो बंजी उकलाना, लोगों में फर्क नहीं पड़ेगा। बंजी उकलाना हल्के के लिए लोगों में काफी उत्सुकता है जानने के लिए कि वहां से कौन कैंडिडेट होगा कांग्रेस का। 90 के 90 हलकों में होती है, और ये तो जल्द वो आपका गृह क्षेत्र है। देखो, ये स्वाभाविक बात है, क्योंकि मेरा गांव वहां पर है, मेरा गृह क्षेत्र है, तो वहां के लोगों का वैसे तो सब जगह लगाव है, आपने देखा, तो वहाँ के लोगों का एक अलग अपनापन और घर की बात तो होती है। तो उनकी उनकी भावनाएं, उनकी भावनाओं की मैं कदर करती हूँ, लेकिन मैं फिर यही दोहराऊंगी कि जो हाईकमांड फैसला करेगी मेरे बारे में वो मान्य होगा। शैलजा जी, कांग्रेस बहुमत में आती है तो आप सीएम चेहरा किसे देखते हैं? मैं किसी को नहीं देख सकती, ये तो हाईकमांड ही देखेगा। कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और कांग्रेस पार्टी के सिपाही रहेंगे, और हम हमेशा हाईकमान की बात को मान्यता देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट वायरल हुआ था, जिसमें सीधे तौर पर बीजेपी ने किया था, हरियाणा बीजेपी ने, कि सोशल मीडिया पर ये लिखा था कि पिछड़े वर्ग के लिए बीजेपी ने बहुत कुछ किया, पर कुमारी बहन शैलजा को मुख्यमंत्री घोषित करे कांग्रेस बड़ा दिल करके, उसके दो घंटे बाद वो डिलीट भी कर दिया। उसका की क्या प्रतिक्रिया? देख लो, कुछ डिलीट भी कर दिया, क्योंकि उनके ऊपर भी तो बात आती है ना। उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने एक सिटिंग DDMP का टिकट काटा किया था ना। पर खैर, अपनी अपनी पार्टी की अलग अलग बात होती है। भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांके और उसके बाद कांग्रेस। कांग्रेस ने ही तो आज तक जो भी SC BC का काम किया है, कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। आगे अभी करने को बहुत कुछ है, जो हम, हमारी सरकार आएगी वो हम आगे इस एजेंडा को आगे लेकर जाएंगे। सबसे पहली ज़रूरत जो देश की है वो है कास्ट सेंसस की। ये राहुल जी की कमिटमेंट है कि हमारी सरकार आएगी, हम कास्ट सेंसस करेंगे। और अब जो अब भी होने वाला है सेंसस होने वाला है, हमारी डिमांड है सरकार से, भाजपा सरकार से,
कि वो कास्ट सेंसस करें। पीछे कंगना रनौत ने एक बयान दिया किसानों को, तो मैंने तो पहले भी कहा उनसे तो कहलवाया जाता है और फिर दिखावा करते हैं कि भाई उनको कहा गया ना करें, थोड़ी देर बाद फिर उनका कोई ट्वीट आ जाता है, रीट्वीट आ जाता है, तो आप समझ सकते हैं या तो उनके डिसिप्लिन से बाहर हैं वो। लेकिन मैं तो समझती हूँ कि ये भाजपा की ही स्ट्रेटजी है, कहलवाते भी हैं और फिर कहते हैं नहीं, फिर अपने आप को डिस्टेंस भी करते हैं लोगों को गुमराह करने की। एक स्ट्रेटजी ज़रूर है, वो है लोगों को गुमराह करते रहो। सुरंजन जी, कैटेगराइज अलायंस को कैसे देखते हैं, NLD प्लस BSP और ASP प्लस JJP अलायंस जो अभी हुआ है? मुझे इससे कोई अंतर नहीं नज़र आता हरियाणा की। अब जो समीकरण बन गए, समीकरण यही है कि भाजपा 10 साल सरकार में रही, इनकी भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जजपा इनका हिस्सा रही, उनके खिलाफ भी उतनी ही या ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है। आगे के लिए विकल्प केवल और केवल कांग्रेस में लोग देखते हैं, तो ये आपको नज़र आ जाएगा। बाकी ये कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन बनते हैं या बनवाए जाते हैं, क्या कह सकते हैं, लेकिन इनका नीचे ज़मीन पर आप बहुत ज़्यादा असर नहीं देखेंगे। मुझे नहीं लगता कोई अंतर पड़ेगा इससे। तो क्या ग्रास रूट पे काम जो आप कह रहे हैं, क्या अंतर रहेगा इससे? नहीं रहेगा, कोई अंतर नहीं रहेगा, क्योंकि लोगों ने विकल्प कांग्रेस को मान लिया है। जब विकल्प कांग्रेस पार्टी है तो ये जो थर्ड प्लेयर अगर हैं, इनका अब कोई वजूद रहा नहीं है हमारे राज्य में। कोई हिस्से की बात नहीं होती, देखो सब अपना अपना सुझाव देते हैं और डिस्कशन होती हैं, और आखिर में जो भी टिकट जिसको भी मिलती है वो कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट होता है और वो सबका कैंडिडेट होता है, उसके लिए सब मेहनत करते हैं। ज़रूर है कि चलो मैंने आपका काम देखा, किसी और ने किसी और का काम देखा, तो वो उसके लिए सिफारिश कर देते हैं। कब तक अलाउंस हो जाएगी जी? अब जल्दी होना। आपके यहाँ एक बड़ी ज्वाइनिंग होने जा रही है? जी, नहीं अच्छा है। देखो कांग्रेस पार्टी तो समंदर है और इस समंदर में सभी हर प्रकार के लोग, सबकी जगह है और मेहनत करते हैं। हमें खुशी कांग्रेस में ज्वाइन करेंगे, आप देखें खुशी। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा बड़ी लेट हुई, जिससे कांग्रेस के उम्मीदवार लगभग पहुंच भी नहीं पाए थे क्षेत्र में, कहीं ऐसा नहीं लगता कि जल्दी घोषणा हो जाए तो क्षेत्र में अच्छे से घोषणा कहने की? देखो ये टिकट किसको मिलती है? टिकट उन्हीं को मिलती है जो राजनीतिक लोग होते हैं, उन्हीं को मिलती है जो दिन रात घूम ही रहे होते हैं। 14 दिन में क्या ठीक है, ये ज़रूर है कि बतौर कैंडिडेट कितनी जगह जा पाओगे, वो थोड़ा सब जगह तो आप जा भी नहीं सकते, वो कोई बात नहीं है। बात ये है कि हमारा कार्यकर्ता मजबूत है नीचे ज़मीन पर, और लोगों की इच्छा क्या है? लोगों की इच्छा है कांग्रेस पार्टी, दोनों को देखते हुए पूरी पार्टी का पूरा प्रयास है कि हम कैंडिडेट्स, मजबूत कैंडिडेट्स को उतारें और उसके लिए सब लोग मेहनत करें, काम करें, बढ़िया सरकार हमारी बने। बहुत दिन का इंतज़ार हो गया है, 10 साल हो गए, तो सरकार बनेगी कांग्रेस पार्टी की। तो इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कितनी सीटों पर विजय प्राप्त करेगी? नहीं, बात ये है कि ये तो आंकड़े मतलब सुनने में, नारों में वो सब चलते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी 90 की 90 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी और एक एक सीट हम जीतने के लिए लड़ते हैं। ये नहीं है कि 90 में से हम इतनी जीत जाएं बाकी हार मान रखे, बिल्कुल नहीं, 90 की 90 हम जीतने के लिए लड़ रहे हैं। तो नए युवा को भी मौका मिलेगा? मिलेगा, बिल्कुल, नए चेहरों को भी मिलेगा। प्रयास है हमारा कि महिलाओं को भी मिले, प्रयास है हमारा कि सामाजिक रूप से भी हम देखें, तो कई चीज़ें हैं। अब आखिर में 90 सीटों पे कितना क्या कैसे हम पार्टी अकोमोडेट सब कर पाते हैं। विधानसभा के अंदर काफ़ी प्रत्याशी खड़े हुए हैं, तो आपका खतरा नहीं लग रहा? नहीं, सब कांग्रेस ही हैं, कई सीरियस हैं, कई पूछो तो बोल देते हैं जी हमने भी भर दिया। ठीक है, कोई बात नहीं, सब मिल के काम करेंगे बाद में, टिकट तो एक को ही मिलनी है।